आओ ठाकुर आओ। का हुआ बलकरण? बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए ठाकुर। ये बस्ती के लोग बस्ती खाली करने को तैयार नहीं है। बस्ती तो खाली करने की बात दूर रही ठाकुर, यहाँ तक कि आपसे लड़ने को तैयार है। के कर औकात है रे आधु। ये खड़ा है ठाकुर साहब, बात तक चल रहा है। खुद बातें कर लीजिए आधु। ठाकुर साहब राम राम। कर रहे हो धुआ? हाँ लंबरदार। बलकरण ने कुछ बताया? हाँ बताया तो ठाकुर साहब। क्या बताया? आपके दोस्त यही बताया और यही कहे कि यह जमीन खाली कर दियो या बस्ती खाली कर दियो। बस्ती में स्टील फैक्ट्री लगो भाई। अब आप बताओ कि यह बस्ती खाली कर दे तो हम सब रहा कहाँ है? और फिर कहा कि कुछ दिन के बाद व्यवस्था कर दे भाई। तो हम पूरे गांव भर सलाह कर चुका ही कि यह बस्ती ना खाली हुई। इस बस्ती के बारे चाहे हम सबका मरई कटई का पड़ जाए। सुना ठाकुर? तो क्यों रे ओधू बहुत राप आने लगा? क्यों रे ओ नहीं मेरा खौफो खतर और मारे हंटर के चम। मारे हंटर के चमड़ी उड़ा दूं तेरी, तेरा हत्ता हुआ दम निकल जा। अधुआ बस्ती तो ये गांव तो ना खाली करब, ना खाली करब चाहे जो कुछ हो जाए। ये बस्ती के बारे हम का सब का चाहे मारे कटे के पर जाए, हम सब रहब कहां? अरे बलकरण बंधवा दे साले अधुआ को, बांध दे साले को। और अगर ये लोग बस्ती खाली करने की यानी अपने मनमानी करना चाहते हैं तो उड़ा दे सबके बदन की खाल, जो होगा हम देख लेंगे। हे अधुआ, हम वो इंसान हैं, वो इंसान कि मुर्दों के अंगूठे लगवा लेते हैं। फिलहाल तुम लोग जीवित हो, ये बस्ती छोड़कर चले जाओ। ये तो ना होए और ना ही आज अंगूठा लागे। लगेगा? नहीं लगेगा। लगेगा? नहीं लगेगा। और ठाकुर साहब बंद करो अपना ये बवाल। ठाकुर साहब बंद करो अपना ये बवाल, और नहीं तो मैं बन जाऊंगा अब तुम दोनों का काल। नहीं तो मैं, अरे ठाकुर तुझी को जरा ना शर्म है? अरे ठाकुर तुझी को जरा ना
शर्म है और बुढ़ापे पे इतना जो ढाया सितम है बुढ़ापे पे इतना। चला जा इसी में अब भलाई तुम्हारी, चला जा इसी में अब भलाई तुम्हारी, और नहीं तो मैं करता तेरी अब हड्डी परम है नहीं तो मैं हड्डी गरम करेगा। हाँ हाँ तेरी हड्डी गरम करूंगा। सुना ठाकुर सुना, ये देसी गाय का बिलायती बछड़ा। अरे चुप कुत्ता कहीं का, क्यों मारता है इन्हें, क्या बिगाड़ा है तेरा। सुन रहे हो ठाकुर, ये देसी गाय का बिलायती बछड़ा हड्डी गरम करेगा। हाँ हाँ तेरी हड्डी गरम करूंगा। तू हमरी हड्डी गरम करेगा। हाँ हाँ तुम दोनों की हड्डी गरम करूंगा। और ये बच्चे सुन गौर से, उम्र तेरी नादान, उमर तेरी नादान, और बोली असमत बोली असमत बोलिए शस अर्जुन का बाण। और अबे छोकरे बोला तू ऐसी बोली, धोखेबाजो तुम दोनों ठाकुर नहीं हो, ठाकुर के नाम पे कलंक हो। आखिर इन गरीबों ने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों मारता है। बेलकरन इस छोकड़े को इतना मार, इतना मार कि इसकी मार देख कर ये बस्ती के लोग खुद ब खुद जमीन छोड़ने पर मजबूर हो जाए। है छोकरे अभी तुझे इंसान की पहचान नहीं है। खूब अच्छी तरह पहचान है हरामजादे, अभी तुझे इंसान की पहचान नहीं है। दुश्मन को जिंदा छोड़ दूं ये मेरी शान नहीं है। हड्डी गरम करेगा ये। तुम दोनों ठाकुर नहीं हो, किसी खानदान के हो। अब
से ख्याल करो से तेरी आज मैं दुखी चूंगा। आज मैं तो खींचूंगा और चली जुबान तेरी आज तुझको पीटूंगा। खाके टुकड़े तू मेरे पलता है बलवान बड़ा करे हड्डी गरम करेगा। हथकड़ी खोल तो बता दूं फिर। खाके टुकड़े तो मेरे पलता है बलवान बड़ा और आज से जगे है पे तुझे इस तरह से पीटूंगा। खाली करेगा बस्ती खाली कोड़ो से मेरी अब खींच ले चाहे पापी। खाली कोड़ो से मेरी खींच ले चाहे पापी और चली जुबा है तो अब बंद ना होगी पापी। चली जुबा है तो अब क्या नाम है तेरा? मेरा नाम गोकुल है, इसी फूलबाग बस्ती में रहता हूं। गोकुल के बच्चे साथ लो, काट डालूंगा। चले बारा सिंघा, अगर मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है नहीं तू क्या मारेगा पालतू कुत्ते? दूसरों के टुकड़े पे पन्ने वाला इंसान। कारे अबे सुन, नीच असुर की जात आज मैं ले लूं तेरी जान। हो करके नौकर मेरा रहा जुबान चलाए, मार मार के हंटर तेरी कर दू खाल बहार। अबे सुन, नीच असुर की जात आज मैं ले लूं तेरी। मेरी जान लेने पे तुला है? तू कोई भगवान नहीं है हरामजादे। अबे सुन ठाकुर बेईमान, तुला
अबे सुन ठाकुर बेईमान, मैं ले लूं एक दिन तेरी जान। अबे सुन कैद धोखे से कर हंटर रहा चलाए, मौत को तू दावत दे कर अपनी राह भुलाए। अबे सुन ठाकुर बेईमान, मैं ले लूं एक दिन तेरी जान। अबे बोली देखते क्या हो, बल करन मार दो सबको गोली। ठाकुर मेरी भी बात सुन, तू असल राजपूत खानदान का नहीं है, नाम का तू ठाकुर बना, नाम का तू ठाकुर बना, तू किसी सहे कैदी पर गोली चला, क्यों बन रहा तू कंस है? तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो खोल इस हथकड़ी को, तमाशा दिखा दूं मैं। जिस अम्मा की गोद में नौ माह, जिस अम्मा की कोख में नौ माह खून से सींचा गया, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरे साथ सुलूप हो, कि तेरे अम्मा की कोख थर्रा उठे। इससे ज्यादा सुलूक क्या कर सकता है कमीना? इब्तदाए जुल्म करूंगा, इब्तदाए जुल्म करूंगा, मैं रहा ना रहा देख कर मेरा सितम कांप उठेगा ये जहां। कैशन बोलो ठाकुर। जिंदगी देने वाला और जिंदगी को लेने वाला वो ऊपर वाला है, तू कोई भगवान नहीं है। भगवान इस वक्त तेरा भगवान हूं बच्चे, चाहूं तो तेरी जिंदगी को आजाद कर दूं, अगर चाहूं तो तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दूं। तू क्या बर्बाद करेगा, तू क्या समाप्त करेगा जिंदगी को? काशन बोलो ठाकुर। नंबर दो और नंबर ठाकुर तुमको कसम तुम्हारी बच्ची की है, ठाकुर तुमको कसम ठाकुर तुमको कसम तुम्हारी बच्ची की है, गोलियां मत चलाओ इन निशानों पे, क्या बिगाड़ा गरीब ने है आपका, गोलियां अब चलाओ बेईमान पे। क्या बिगाड़ा गरीब ने है आपका, गोलियां अब चलाओ इस बेईमान पे। जानकी 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 प्राणनाथ, यहाँ पे क्यों आई हो? यहाँ तुम्हें नहीं आना था, यहाँ से चली जाओ, चली जाओ जानकी यहाँ से। नहीं प्राणनाथ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, आखिर इन गरीबों ने आपका क्या बिगाड़ा है? गोलियां चलाना है आपको तो इन गरीबों पे नहीं, इस बेईमान पे गोली चलाइए। प्राणनाथ,
यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं आपके हाथ से चली जाओ जानकी। तुम्हें तुम्हारी बच्ची की कसम है, चले जाइए प्राणनाथ, मैं बाप के पैर पड़। बच्ची की कसम, ज्यादा बेईमान कहीं के खड़ा होकर मेरा मुंह देखता है, निकल जाए यहां से, मैं कहती हूं। ठकुराई, चिल्ला मत, तूने हमको बेईमान बोला। हाँ बेईमान है तू, कुत्ता बोला, कुत्ता है, कमीना बोला। ठकुराई, हम तुम्हें बताएंगे कि बेईमानी का होत है। तू क्या बताएगा बेईमानी? तुझे भी बेईमानी का अंदाजा नहीं है ठकुराइन, और जब तूने मुझे बेईमानी का दर्जा दे ही दिया है तो हम तुझे बताएंगे कि बेईमानी का होता है। ठकुराइन, जाते जाते हम तुम्हें ये सीख सिखा कर जा रहा हूं कि जब तक हम तुझे गली की खाक ना छनवाया, एक टुकड़े रोटी के लिए गली गली भीख ना मंगवाया, तो हम अपने को हरकरण सिंह ना ही कहेंगे। निकल जाए यहाँ से। अरे हम इसीलिए बोले थे कि हमरा नाम हरकरण सिंह खुराना और हमरा दस्तूर है पुराना। टाइम कर माँ जी। क्या बात है बेटा? आपने बहुत बड़ा उपकार किया, इस उपकार को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। यदि अगर आप ना आती तो हम सारे गरीब मारे जाते। लेकिन माँ जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या बात है बेटा, पूछो, क्या जानना चाहते हो? अरे माता, अरे माता, तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम? अरे माता, कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम? और रहने वाले हो कहाँ की, अब कहाँ तुम्हारा गाँव? रहने वाले बेटा, आप जानना चाहते हैं कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? हाँ माता जी, ये पूछना चाहता हूँ मैं, बताइए आप। सीधोली की रहने वाली जानकी मेरा नाम। जानकी मेरा नाम। अरे
गणपति हमारे बलिकरण बतला दूसरे नाम और ठकुराइन जी दया करो ये है मेरा लाल ठाकुराइन जी दया करो ये है मेरा लाल और पति तुम्हारे पलकरण बनना जाते का दादाजी आप लोग घबराइएगा नहीं, अगर आज के बाद वो हरामजादा हरकरण सिंह आप लोगों की फूल बाग बस्ती उजाड़ने आता है तो अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर उसका मुकाबला करो, डरना नहीं। ऐसा ही होगा माजी, हम उस ठाकुर से डरने वाले नहीं है। हम ये जमीन अपनी कभी नहीं छोड़ सकते। अब बेटवा चला स्कूल जा, तू संभला चलो घर के काम देखो। तो आप पिताजी चलते हैं, अब डर नहीं ना ठकुराए साहब बोल, हम इनसे डरने वाले नहीं है। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल मालिक, तूने ये सुना ना कि ठाकुराइन ने हमको बेईमान बोला? हाँ बेईमान लफूस। मुन्नीलाल ना बोल, हम एक बात सोचे थे रे। वो कौन सी बात मालिक? कि बलकरण हर बात में एक बात कहा करता था कि ठाकुर हम सब कुछ सह सकते हैं लेकिन तुम्हारा अपमान कतई नहीं सह सकते। बिल्कुल नहीं। और बीबी के कहने से साला तुम दबा कर चला गया। एक काम करो, वो मेरे पास जरूर आएगा लेकिन इतना धिक्कारो कि वो हरकरण सिंह खुराना की बात मानने पर मजबूर हो जाए। बहुत अच्छी बात है। बाकी का काम ये हरकरण सिंह खुद करेगा। जैसी अब क्या आए आए मेहरिया के दबहिल आए, मेहरा रुके तब्बू मेहर मारू मेहर मारू, आए मेहरिया गुलाम आए। चल पोतन कहीं ये इशारा मेरी तरफ तो नहीं? जय गोपाल ठाकुर। तेरे जय गोपाल को और हुकी बिछाऊं रे ठाकुर? ये लोग वो सही कहा था, बस्ती में हमारा सर नीचा हुआ किसकी वजह से? तेरी बीबी जानकी की वजह से। लोगों ने तालियां बजाई किसकी वजह से? तेरी बीबी जानकी की वजह से। काश अगर वो तेरी बीबी ना होती तो वही का वही साली को टपका दिए होते। तू तो कहा करता था रे कि ठाकुर मैं सब कुछ सह सकता हूँ लेकिन तुम्हारा अपमान नहीं सह सकता हूँ। ठाकुर अगर हमारी बीबी जानकी ने आपका अपमान किया है तो इससे बच जाके साली को गोली मार देता हूँ। नहीं बल करें नहीं, हम तुझे ये नहीं कहते कि तू हमरे कहने से अपनी बीबी को गोली मार दे लेकिन उसे सीख दिखा कि बड़ों के सामने किस तरह से पेश आना चाहिए। अरे मैं तो ये कहता हूँ
कि वो तेरी बीवी बनने लायक है ही नहीं। अरे ठाकुर साहब, कहीं हमारे दोनों भाइयों की बात होती ना तो गंगा क्रिया हम दोनों भाइयों तो तलाक दे दे जाना रे। अरे ठाकुर, हमारी बीबी जानकी के अभाव आचरण हमारी बीबी बनने के काबिल नहीं है। नहीं तो ठाकुर, इसी वक्त साली को जाके सबक सिखाता हूं। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, बाबू साहब ये गुस्से में तो जा रहा है लेकिन घर पहुंचने पर कुछ करेगा। ये करिहे का कटहर, वही दिन हम देख लेना है, इनका तो वही हाल है। बलकरण सिंह यहाँ से जाकर घर पे कसके अकला और तनी के मेहरारू फटकार दे तो बैठ के धोई है कपड़ा। मुनीलाल क्या करिए, अब तुझे बलकरण की हवेली तक जाना है। बहुत अच्छी बात है, बलकरण से अपनी निगाहें बचाते हुए। हाँ? तू केवल ये देखेगा कि बलकरण अपनी बीबी के साथ क्या कर रहा है। और हाँ, अगर मारता हो तो मारने देना, रोकना नहीं, खा ले बुर्बाद। नो सर, और हाँ, नो सर। अगर गोली मारना चाहता है तो रोक देना, क्योंकि ठकुरैया ने हमको बेईमान बोला है। पेवर, और जब तक हम ठकुरैया को बेईमानी का सबक नहीं सिखाएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। और हाँ, तुम तो जानते हो जितनी भी खबर है वो आकर हमें बताओ। बहुत अच्छी बात, जाओ ठकुराइन, जब तक हम तुझे एक टुकड़ा रोटी के लिए गली की खाक ना छनवाया हम चैन से ना ही बैठेंगे। अरे हम इसीलिए बोलत है कि हमरा नाम हरकरण सिंह खुराना और हमरा दस्तूर है पुराना।